इस तस्वीर को तो देखकर यही लगता है कि नाराज नागर मान गए हैं। दो दिन पहले तक बीजेपी छोड़ने तक की बात करने वाले नागर सिंह चौहान के सुर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के साथ ही बदल गए। दरअसल नागर सिंह चौहान से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय छीन कर कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को दे दिया गया था। इसके बाद ही नागर सिंह चौहान ने इस्तीफा देने की बात कही और यहां तक कि कह दिया कि अपनी सांसद पत्नी से भी इस्तीफा दिलवा देंगे। लेकिन जब बात दिल्ली दरबार तक पहुंची और नागर को दिल्ली बुलाया गया, तब नागर सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो खुद को सिर्फ विधायक कहते हुए सुनाई दिए। हालांकि नागर की बीजेपी आलाकमान से मुलाकात नहीं हो सकी और उन्हें भोपाल वापस लौटना पड़ा। इसके बाद सीएम हाउस में मोहन यादव और बीडी शर्मा ने नागर को भविष्य में कुछ अच्छा मिलेगा ये आश्वासन दिया, तब जाकर नागर माने और ये मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने आई। लेकिन बीजेपी में लगता है एक माने दूजा रूठे की परंपरा चली आ रही है। इधर नागर सिंह चौहान माने तो उधर अजय विश्नोई नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि दल बदलू नेताओं का मंत्री बनना उनका सौभाग्य और हमारा दुर्भाग्य है। कुल मिलाकर बीजेपी में फिलहाल कुछ तो ठीक नहीं दिखाई देता। अब पार्टी भले ही लाख वादे करती है तो करती रहे।